हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर क्लासेज छपरा। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर धर्मयुद्ध शुरू करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, धर्मयुद्ध इनके राइटर हैं अर्जुन देवचरण। इस चैप्टर के नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धर्मयुद्ध दैट मीन्स धर्म के बारे में इस चैप्टर के अंदर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं आगे। अर्जुन देवचरण, देखिए स्टूडेंट्स, अर्जुन देवचरण राइटर हैं। ये टीचर बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स होता है पेशा, पेशे से क्या थे ये के टीचर थे, लिख लीजिएगा इसको, आपको दिक्कत हो तो पेशा, तो पेशा से क्या थे, एक टीचर थे। इज बेसिकली ए पोएट, और वो क्या थे, एक कवि भी थे। मतलब पेशा से तो टीचर थे लेकिन राइटिंग का भी कार्य करते थे, एक पोएट भी थे। हिज प्लेज, देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लेज जो है आप ध्यान में रखिएगा, प्ले का प्रयोग जब आप वर्ब के रूप में कीजिएगा ना, तो इसका मतलब होता है खेलना। क्या होता है मतलब स्टूडेंट्स, खेलना। लेकिन यही प्लेज जो प्ले होगा, इसको आप नाउन के रूप में प्रयोग कीजिएगा, इसका मतलब हो जाता है नाटक। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, प्लेज हीज प्लेज है, तो हीज हमारा क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, अतः यह प्लेज जो है वह नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए हीज प्लेज मतलब उनका जो नाटक था, हीज प्लेज दैट मीन्स उनका नाटक। एपियर मतलब प्रकट करना होता है, एपियर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हीज पोएट्री, और पोएट्री मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स मतलब कविताओं के संग्रह। तो उनका जो नाटक था वह प्रकट करता है क्या, उनके कविताओं के जो संग्रह था उस संग्रह के एक्सटेंशन विस्तार को प्रदर्शित करता था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, द पोएट इन हिम मतलब कवि के जो गुण था उनके अंदर सोज वो दर्शाता था क्या, थ्रू हिज शॉर्ट मतलब उनका जो राइटिंग था वो शॉर्ट में था। क्रिप्स का मतलब होता है आसानी से टूटने वाला, क्रिप्स दैट मीन्स उनके जो लाइन था उस लाइन को आसानी से आप तोड़कर समझ सकते हैं। एंड पिथी लाइन, और पिथी लाइन का मतलब होता है वह जो लाइन था बड़ी ही जोरदार था। तो क्या हुआ था उनका उनका जो पोएम द पोएट इन हिम जो कवि के गुण उनके अंदर था वह दर्शाता था कि उनका जो लाइन था वह बहुत ही जोरदार था, शॉर्ट था और आसानी से तोड़कर समझने वाला था, कि आसानी से उसको हम तोड़ करके खंड में करके चंक में तोड़ करके उसको समझ सकते हैं। एंड द सॉन्ग ऑफ द चोरस, चोरस मीन्स होता है एकल गायन, द सॉन्ग ऑफ चोरस इन हिज प्लेज, और उनके नाटक में जो था, देखिए यहाँ प्लेज मीन्स नाटक हुआ, उनके नाटक में जो था वह एकल गायन का भी वर्णन था। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज, और उनका पहला जो बुक आया वो राजस्थानी प्लेज मतलब राजस्थान के नाटक में का बुक आया, पब्लिश्ड इन द लेट 17th century, और वह कब पब्लिश हुआ, 7वीं शताब्दी के अंत में पब्लिश हुआ पहला बुक राजस्थानी प्लेज। वाज रिसीव्ड रादर इनडिफरेंटली इन राजस्थानी लिटरेरी सर्किल, और राजस्थान का जो लिटरेरी सर्किल था उस लिटरेरी सर्किल में यह इनडिफरेंट था, मतलब ये एक अलग छवि प्राप्त किया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी मतलब उस समय राजस्थान में जो ड्रामा था हैड मीट इधर सम एस्ट्रे, उस समय क्या था, सम एस्ट्रे वन एक्ट प्ले एंड सोशल इशू लाइक विडो रीमैरिज डॉरी इटीसी, दैट मीन्स उस समय उनका जो उस समय राजस्थान में जो ड्रामा था वह क्या था, सम एस्ट्रे पर आधारित था। एस्ट्रे का मतलब होता है आवारा, जिसे आवारा कुत्ता होता है उस पर आधारित था। वन एक प्ले एक व्यक्ति पर आधारित नाटक था। सोशल इशू सामाजिक पर आधारित था, जैसे सोशल इशू में आपको आ जाता है विडो रीमैरिज जैसे विधवा का पुनर्विवाह, डौरी का मतलब होता है दहेज, ठीक है, डौरी का मतलब दहेज इटीसी, और फोल्क प्लेज और लोक नाटक, फोल्क प्लेज फोल्क मीन्स होता है लोक नाटक था, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल, जो इतिहास पर आधारित और मिथोलॉजिकल मीन्स होता है प्रामाणिक कथाएं, देवी देवताओं के कथाएं
मतलब काल्पनिक कथाएं इत्यादि था। थीम, थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, और इसी विषय वस्तु पर आधारित है, हिस्टोरिकल हो गया, मिथोलॉजिकल हो गया। ये फुल लेंथ प्ले ऑन कंटेम्पोररी थीम, कंटेम्पोररी मतलब समकालीन, समकालीन मतलब उस समय के जो विषय वस्तु था उस विषय वस्तु पर इनका जो नाटक था फुल लेंथ में था। वाज बियॉन्ड कंजेस्टर, कंजेस्टर्स का मतलब होता है अनुमान लगाना, वह अनुमान लगाने से परे है, हम उस ड्रामा को अनुमान नहीं लगा सकते, इतने बेहतर था। हाउएवर फिर भी अर्जुन अराइवल ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो मॉडर्न थिएटर। फिर भी अर्जुन देवचरण का इस ड्रामा के क्षेत्र में अराइव जो हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ, नॉट ओनली न केवल इनके टर्म पर ड्रामेटिक, ड्रामेटिक के टर्म पर था, बट ऑल्सो मॉडर्न थिएटर, बट ऑल्सो आधुनिक थिएटर पर भी आधारित था। नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ये जो कंजक्शन है इसका मतलब होता है न केवल बल्कि। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अर्जुन देव, देवज प्लेज मतलब अर्जुन देव का जो नाटक था, इंक्लूड मीन्स शामिल होना, वो शामिल था, कौन कौन सा था, दो नाटक आजरा, इनके नाटक का नाम है गुआरी एंड संकारियो, बोल महारी मछली कीटक पानी, धर्मयुद्ध एंड मुक्ति गाथा, ये सब नाटक है जो अर्जुन देवचरण के द्वारा लिखा गया। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, दैट मीन्स जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध जो कहानी है एक पद्मा नाम की लड़की पर आधारित है। तो क्या हुआ, धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, धर्मयुद्ध क्या है, पद्मा की कहानी है। ये यंग गर्ल, ये लड़की जो है यंग है, एजुकेटेड और पढ़ी लिखी है, थ्रो ए स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर का मतलब होता है ग्रंथ, लाइक रामायण, लाइक द रामायण एंड द महाभारत इटीसी, और यह लड़की उस रामायण धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत में जो रोल रामायण में सीता का है उसी प्रकार इस नाटक में रोल पद्मा का है, जो रोल महाभारत में द्रौपदी का है वही रोल इस नाटक में पद्मा का है। सी फील्स एग्रीव्ड, एग्रीव मतलब होता है कष्ट पीड़ा, एंड एजिटेटेड, एजिटेटेड मीन्स होता है उग्र आंदोलित, तो हमेशा पद्मा जो थी वह अपने आप को कष्ट में पीड़े में महसूस करती थी, एंड एजिटेटेड और उग्र महसूस करती थी, बाई द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वुमेन। क्यों वह उग्र थी, वह अपने आप को दुखी महसूस करती थी, क्योंकि जो हमारे समाज के अंदर वुमेन के प्रति, वुमेन के प्रति जो अनचैरिटेबल मतलब छुआछूत, ऑर्थोडॉक्स जो विरोध हमारे समाज के अंदर औरतों के प्रति है, जिसके चलते वह एजिटेटेड और एग्रीव्ड थी। सी रिपीटेडली, वह बार बार, रिपीटेडली मीन्स बार बार, सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स, वह बार बार अपने पेरेंट्स से क्वेश्चंस करती थी, एंड हर टीचर, अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से वह क्वेश्चंस करती थी अबाउट द राइट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। वह हमेशा राइट्स के बारे में पूछती थी, जो राइट्स क्या है और औरतों की पहचान क्या है, क्या पूछती थी, अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। वह पूछती थी अपने पेरेंट्स से और टीचर से कि औरतों की अधिकार और उसकी पहचान क्या है, एंड आस्क देम, और उनसे पूछती थी वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, और जबकि इसका जवाब मिलता था कि औरतों की पहचान जो है वह उसकी शादी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हुआ राइटर से संबंधित और इस चैप्टर से संबंधित। इसके बाद देखिए आप ए में जो क्वेश्चन है, आपको वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फ्लोइंग, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको एक छोटा सा आपको ग्रुप में इसको डिस्कस करना है, ये एग्जाम्स में नहीं पूछता है, ये स्पीच के माध्यम से दिया गया है कि आप एक दो लाइन बोलने के लिए सीखिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, आप भी इस पर प्रयास कीजिए, लिखिए और बोलने का प्रयास कीजिए। देखिए, व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इन द सोसाइटी, मतलब समाज में औरतों की पहचान किस रूप में है, तो समाज में औरतों की पहचान किस रूप में है,
तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि समाज में औरतों की पहचान जो है उस पर नहीं बल्कि उसके हस्बैंड पर निर्भर करता है हमारे समाज के अंदर। ये देख सकते हैं कि कोई भी लड़की शादी करके जब अपने ससुराल में आती है तो वह अपना नाम खो करके अपने हस्बैंड के नाम से जाने जाने लगती है, और जब उसका फर्स्ट बच्चा जन्म लेता है तो सब कोई उस बच्चे के नाम से उसको पुकारने लगते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वो अपना नाम खोती चली जाती है, और जब तक उस वो लड़की जब तक कोई उसके शरीर से कोई बच्चा पैदा नहीं होता, जन्म नहीं लेता, तब तक उसके फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता है। इतना इनजस्टिस है हमारे समाजों के अंदर। तो किस प्रकार का है, व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स की वी कैन से द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन हर हस्बैंड्स। उसकी आइडेंटिटी जो है उसके हस्बैंड पर निर्भर करता है। ये हमारे समाजों के अंदर ऐसी मान्यताएं हैं, बट आई डोंट बिलीव इन दिस मैटर, लेकिन मैं इस मैटर से विश्वास नहीं करता हूं, बिकॉज देयर आर ए लॉट ऑफ वुमेन दैट प्रूव्स द आइडेंटिटी डजंट डिपेंड ऑन हर हस्बैंड बट द आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन हर क्वालिटी। हम कह सकते हैं कि हमारे समाजों के अंदर बहुत से ऐसे औरतें हैं जिनकी आइडेंटिटी उनके हस्बैंड पर नहीं बल्कि उनके पर्सनालिटी पर, उनकी छवि पर निर्भर करता है। आप कह सकते हैं अब देयर आर ए लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ वुमेन्स दैट प्रूव्स द आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन हर पर्सनालिटी। जैसे आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आप नाम सुने होंगे, सोनिया गांधी, सानिया मिर्जा, ऐश्वर्या राय, बहुत से ऐसे औरत हैं। मान के चलिए कि ऐश्वर्या राय की शादी नहीं हुई थी, तब तक उस किसके नाम से जानी जाती थी, वह अपने नाम से जानी जाती थी। इसका मतलब हुआ कि औरतों की पहचान जो है वह उसके हस्बैंड पर नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी पर, पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। तो आप इसको लिखिएगा स्टूडेंट्स, इसको अपने दोस्तों के बीच में आप इसको स्पीच देने का प्रयास कीजिएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से कुछ भला, थोड़े थोड़े धीरे धीरे आप अंग्रेजी बोलना सीख जाइएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हाउ इज मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। अब देखिए मैरिज कैसे शादी से संबंधित, शादी जो है वह कैसे औरतों की पहचान से संबंधित है, तो आप इस पर लिख सकते हैं कि आई डोंट सेटिस्फाइड विद दिस मैटर दैट मैरिज इज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। आई अंडरस्टैंड बोथ आर इक्वल, मैन एंड वुमेन मैन एंड वुमेन आर द सेम कार्ट ऑफ द सेम व्हीकल, और सपोज दैट वन ऑफ देम आर डैमेज एट एनी कॉस्ट, अदर आर यूजलेस। कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम इस बात से विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं होता है। जिस पर औरत और मर्द जो हैं वो एक ही गाड़ी के दो पहिए के रूप में हैं, और एक पहिया यदि किसी कारणवश डैमेज हो जाता है तो दूसरा यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, इस पर आप थोड़ा सा अपने दोस्तों के बीच में स्पीच कीजिएगा, धीरे धीरे आपका स्पीच सुधरेगा। अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं धर्मयुद्ध इस चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। देखिए पद्मा क्या करती है, पद्मा पूछती है मदर, माँ से कहती है मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, और मदर माँ औरतों की आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है। माँ क्या कहती है, देखिए स्टूडेंट्स व्हाई डू यू आस्क दैट, माँ इस बात को सुन करके सरप्राइज करती है, आश्चर्यचकित करती है कि तुम ऐसा क्वेश्चंस क्यों पूछते हो, तुम ऐसा क्यों पूछती है कि औरतों की पहचान क्या है। आगे देखिए पद्मा कहती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, देखिए पद्मा कहती है कि मैं दूसरों से अलग कैसे हूं, पद्मा पूछती है कि मैं दूसरे से अलग कैसे हूं। माँ उसकी बोलती है You are my daughter, तुम मेरी बच्ची हो, our only child, तुम हमारी एक लौटी बच्ची हो, and your father's darling, और तुम अपने पिता की प्यारी हो, इसलिए तुम दूसरों से अलग हो। पद्मा कहती है father cares more for money than for me, पद्मा कहती है पिताजी तो हमसे ज्यादा पैसे से प्रेम करते हैं, पैसे को केयर करते हैं, पैसे को ध्यान देते हैं, आप कहती हैं कि तुम पिताजी की प्यारी हो। इट टेक्स ए हार्ट टू बिस्टो लव, ये देखिए इस लाइन का हिंदी होगा प्रेम करने के लिए दिल होना चाहिए, इट टेक्स ए हार्ट,
मतलब दिल होना चाहिए, टू बिस्टो लव, बिस्टो मीन्स प्रेम करना, प्रेम करने के लिए दिल होना चाहिए। वो कहती है कि प्रेम करने के लिए दिल होना चाहिए। और देखिए माँ तब कहती हैं, फॉर हुम डज ही सेव, वह किसके लिए बचाते हैं, वो जो पैसा सेव करते हैं किसके लिए सेव करते हैं, ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, सेक मीन्स होता है के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। कहते उसकी माँ कहती है कि वो जो कुछ भी करते हैं तुम्हारे लिए करते हैं, यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हर्ट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों के पास हर्ट नहीं है, दिल नहीं है। पद्मा कहती है बट आई डोंट से ईट ऑफ यू, पद्मा कहती है कि मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, दैट मींस पद्मा कहती है कि मैं आपको नहीं बोल रही, मैं तो पापा को बोल रही हूँ ना। तो माँ उसकी बोलती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम ही, माँ कहती है कि मैं किसी भी क्षेत्र में उनसे अलग नहीं हूँ, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हीज, मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है उनके अंदर, उनके साथ, उनके अंदर समाहित है, एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं इस बॉन्ड का कदर करता करती हूँ, मैं इस बंधन, बॉन्ड का मतलब होता है बंधन, और चेरिश मीन्स कदर करना, मैं इस बंधन का कदर करती हूँ। दैट मीन्स पद्मा की माँ बोलती है कि जो हमारे और आपके पिताजी के साथ जो शादी है इस बंधन का मैं कदर करती हूँ। उसी के बाद इंटर्स पद्माज फादर, उसी के समय पद्मा के पिताजी इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। फादर कहते हैं व्हाट इज दिस टॉक द बॉन्ड, तो पद्मा के पिता कहते हैं कि कौन सा बॉन्ड की बात हो रही है, कौन सा बंधन की बात हो रही है, बात हो रही है पद्माज मदर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पद्माज मदर कहा जा रहा है, पद्मा की माँ के नाम नहीं रखा जाता है, उसके फर्स्ट जो चाइल्ड होता है उसके नाम से नामकरण हो जाता है, तो पद्माज मदर, पद्मा की माँ, कौन सी बंधन की बात हो रही है। तब उसकी माँ बोल रही है हियर इज योर फादर, यहाँ आपके पिता हैं, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, इनसे तुम पूछ लो, तुम जो कुछ भी जानना चाहती हो। फादर कहते हैं व्हाट्स इट माय चाइल्ड, क्या है मेरी बच्ची। माँ बोलती है शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, उसकी माँ कहती है कि यह जानना चाहती है कि औरतों की पहचान क्या होता है। फादर कहते हैं यू विल नो इट, तुम इसे जान जाओगी डियर, तुम इसे जान जाओगे डियर व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम शादीशुदा हो जाओगी तो तुम यह जान जाओगी। बात यहाँ भी यही आया, इसके पिताजी कह रहे हैं कि जब शादी हो जाएगा तो तुम इस बात को जान जाएगी। आगे है पद्मा कहती है डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन, क्या शादी ही औरतों की पहचान होती है। माँ बोल रही है व्हाट इज ए वुमेन विदाउट ए हस्बैंड, मतलब वह औरत ही क्या है बिना हस्बैंड के, मतलब बिना हस्बैंड के वह औरत क्या है। पद्मा बोल रही है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या होगा यदि किसी की शादी नहीं हो। उसकी माँ बोलती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, सेंसलेस क्वेश्चंस, तुम क्यों हमेशा सेंसलेस क्वेश्चंस करती हो, मतलब उसकी माँ इस पर कह रही है कि ये तो मूर्ख भरा, सेंसलेस मीन्स मूर्खता भरा क्वेश्चन है, तुम ऐसे मूर्खता भरा क्वेश्चन क्यों करती हो। फिर पद्मा कहती है व्हाट अबाउट ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, पद्मा कहती है कि वह औरत व्हाट अबाउट ए वुमेन, मतलब वह औरत क्या हुज हस्बैंड इज डेड, उसके हस्बैंड मर जाते हैं तो औरत क्या होता है। माँ बोलती है लाइफ इज हेल फॉर हिम, हेल मीन्स होता है नर्क स्टूडेंट्स, तो उसका जीवन नर्क के समान हो जाता है। उसकी माँ बोलती है कि जिसके हस्बैंड मर जाते हैं उसका जीवन जो होता है नर्क के समान हो जाता है। तो पद्मा कहती है दैट्स इनजस्टिस, यह तो अन्याय है। दैट्स का मतलब देखिए दैट इज है स्टूडेंट, शॉर्ट में लिखा गया है दैट इज इनजस्टिस, इसको कहा जाएगा दैट्स इनजस्टिस, यह तो अन्याय है। पद्मा की माँ बोलती है यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम यहाँ न्याय और अन्याय की बात मत करो। पद्मा तुरंत क्वेश्चंस करती है व्हाई क्यों, व्हाई क्यों। माँ बोलती है ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, उसकी माँ कहती है यहाँ औरतों को क्वेश्चंस पूछने का अधिकार नहीं है, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा कहती है व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो उस पद्मा कहती है तब औरतों की क्या अधिकार है, तब औरतों की क्या अधिकार है। फादर कहते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर,
पद्मा के पिता कहते हैं कि जो अधिकार है दोनों का, सबका बराबर है डियर। पद्मा कहती है व्हाई इज होम कंसीडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना। बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना, दैट मीन्स सौदा करना। तो व्हाट इज होम कंसीडर्ड ए प्लेस ऑफ फॉर बार्गेनिंग। पद्मा कहती है कि घर को मोल भाव का स्थान क्यों समझा जाता है। वन शुडंट लिव इन सच ए प्लेस, ऐसे जगह पर तो किसी को नहीं रहना चाहिए। फादर कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दीज क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो। पद्मा के पिता कहते हैं कि तुम जहां कहीं भी जाओगे इस क्वेश्चंस का जवाब सेम यही मिलेगा। तो पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस मीन्स वह मानव जाति। पद्मा कहती है कि लेकिन औरतों की पहचान तो मानव जाति की पहचान है। उसका कहने का मतलब है कि औरत यदि नहीं रहेंगी तो मानव जाति का जीवन, इसका जनरेशन, इसका पीढ़ी कैसे बनेगा, बढ़ेगा। इसलिए औरत जो है मानव जाति की पहचान है। ए सोसाइटी सेंस वुमेन, वह समाज ही क्या जिसमें औरत न हो। सेंस मतलब होता है स्टूडेंट, सेंस का मतलब होगा के बिना, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा के बिना। तो औरत के बिना वह समाज ही क्या। फादर कहते हैं दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। तो उसके पिताजी कहते हैं यही कारण है कि वे लोग कहते हैं कि मैरिज ही औरतों की पहचान है, जो शादी है औरतों की पहचान है। उसके बाद स्टूडेंट्स पद्मा कहते हैं सो इफ मतलब इसका मतलब, सो इफ का मतलब हुआ इसका मतलब। स्टूडेंट सो इफ का मतलब इसका मतलब ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, यदि वह लड़की जो शादी नहीं करती है सी हैज नो आइडेंटिटी, तो उसकी कोई पहचान नहीं है। व्हाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड। देखिए वेनरेटेड का मतलब हुआ पूजित, सम्मानित व्यक्ति, कॉल्ड ए सेंट। यहाँ पद्मा कहती है व्हाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन, पद्मा कहती है क्यों यहाँ अनमैरिड मैन जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं रहते हैं इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए सेंट, उन्हें पूजित सम्मानित साधु महात्मा कहा जाता है। वाइल एन अनमैरिड वुमेन, और जबकि वही एक औरत जो होती है जो शादी नहीं करती है उसे इज कॉल्ड इमोर्टल और वांटन, इसे इमोर्टल और वांटन अनैतिक और नीच समझा जाता है। यानी पद्मा कहती है कि जब दोनों इक्वल हैं तो यदि किसी पुरुष की शादी नहीं होती है वह तब उसे हम क्या कहते हैं, वेनरेटेड कहते हैं, सेंट कहते हैं मतलब साधु महात्मा कहते हैं और उसे सम्मानित समझते हैं। लेकिन वही एक औरत जिसकी शादी नहीं हुई रहती है उसे हम अनैतिक, नीच, मर्यादाहीन क्यों समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका चैप्टर। अब आगे इसमें है शॉर्ट क्वेश्चंस, तो चलिए स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हुआ। देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है बी में, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। अब समझिएगा स्टूडेंट्स, ब्रीफली मतलब होता है संक्षेप, और वेरी इसमें लग गया मतलब बहुत संक्षेप, मतलब इस क्वेश्चंस का जवाब आपको बहुत ही संक्षेप में देना है। इसका मतलब कि इसका जवाब आप एक से दो सेंटेंस में दीजिए, ज्यादा लंबा नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट्स वाई वाज द क्वेश्चंस What was the questions that Padma wanted to know? मतलब कौन सा questions था जो पद्मा जानना चाहती थी। From her parents, मतलब वह अपने माता पिता से वह जानना चाहती थी पद्मा क्या क्या questions था। तो देखिए students आप जानते हैं इसको, आप पढ़ लिए तो अध्ययन किए, तो पद्मा यह जानना चाहते थे कि औरतों की पहचान क्या है, उसका अधिकार क्या है और उसकी पहचान क्या है, अपने पेरेंट्स से जानना चाहती थी। तो आप इसमें लिखिएगा तो है ना कि व्हाट वाज द क्वेश्चंस दैट पद्मा वांटेड टू नो। तो आप कैसे कीजिएगा, द क्वेश्चंस ऐसे लिखिएगा, द क्वेश्चंस दैट पद्मा वांटेड टू नो, द क्वेश्चंस दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स वाज व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड राइट्स ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे कर लीजिएगा।
दूसरा है हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव, मतलब पद्मा के कितने भाई और बहन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पद्मा जो थी अपने पेरेंट्स के इकलौती संतान थी, प्यारी थी, इकलौती संतान थी, तो उसके कोई भाई और बहन नहीं थे। तो उसको क्या लिखेगा, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव, तो क्या लिखेगा, पद्मा हैव, ठीक है स्टूडेंट्स, पद्मा, पद्मा हैड, ऐसे कीजिएगा, पद्मा हैड नो ब्रदर्स एंड सिस्टर, मतलब पद्मा का कोई भाई और बहन नहीं थे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, व्हाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर, पद्मा अपने पिता से क्यों अनहैप्पी थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला तो है कि पद्मा जो के नजर में पद्मा के पिता पैसों से ज्यादा प्रेम करते हैं, पद्मा से कम करते हैं, और पद्मा जो है अपने पिता से, अपने पेरेंट्स से और टीचर से एक क्वेश्चंस एराइज करती है, क्वेश्चंस करती है कि औरतों की पहचान क्या है, लेकिन उसका जवाब मिलता है कि औरतों की पहचान उसकी शादी है और उससे वो संतोष नहीं होती है, इसलिए वह अपने पेरेंट्स से भी क्या है, अनहैप्पी है। तो हम लिख सकते हैं कि पद्मा वाज अनहैप्पी विथ हर फादर बिकॉज पद्मा वांटेड टू नो अबाउट व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, बट सी गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैरिज इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, यानी पद्मा के माँ के अनुसार किसकी जीवन जो है नर्क के समान हो जाता है। तो पद्मा के माँ के अनुसार उस औरत की जीवन नर्क के समान हो जाता है जिसके हस्बैंड मर जाते हैं। तो दे सकते हैं कि द वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, मतलब वैसी औरत जिसकी हस्बैंड मर जाते हैं, दैट वुमेन्स लाइफ बिकेम हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, उस औरत की जीवन पद्मा के माँ के अनुसार नर्क के समान हो जाता है। आगे स्टूडेंट्स, व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा, मतलब पद्मा के अनुसार क्या, इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस की, पद्मा के अनुसार ह्यूमन रेस की आइडेंटिटी क्या है। तो पद्मा के अनुसार ह्यूमन रेस की आइडेंटिटी जो है वह वुमन है। तो लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पद्मा वुमेन आर द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ब्रीफ क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, आगे हम अगले वीडियो में इसको क्लियर कराएंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए और अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िए, यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और दोबारा देखकर समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को यदि ग्रामर का वीडियो चाहिए तो मैं अशोक सर इंग्लिश क्लासेज बाई अशोक सर छपरा, तो इसमें आप मेरे YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं इंग्लिश क्लासेज बाई अशोक सर छपरा। देखिए स्टूडेंट्स, इस पर आप जाइएगा इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा, इसमें आपको ग्रामर का भी वीडियो मिल जाएगा। हालांकि इस पर भी हम ग्रामर का वीडियो अपलोड करेंगे, आप उस चैनल को भी देख करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।